देखिए विधायक जी का सबसे इम्पोर्टेंट है माल कहाँ से आएगा, पैसा। पार्टी से काफी ज्यादा उनका फायदा है, प्रॉफिट है। वोट का क्या है, वोट चुनाव आएगा 2 महीना पहले छीट देंगे। तू भीख मांगा लागे कि हम भीख मांगा लागे, जमीन के चोर तो बल हम ले ले जाए 4 करोड़ ले, हम सरकार के पैसा दे चुक ले जाए तो जमीन में कैसे छोड़वा, तो सरकार भी जमीन बेच चुकली है तो कितना हम इनके तकलीफ है। में हम लोग का जीने का हक है या नहीं, अब क्यों स्वस्थ इंडिया स्वस्थ भारत करके नगर परिषद कर दिए हैं रामगढ़ को और हम लोग को जहर दे रहे हैं, जिस जहर से हमारा बाल बच्चा माँ बाप सब पीड़ित है। जब से रोंगटा बैठल हो तब से बड़ी गर्दा 24 घंटा रात दिन गर्दा, टगरी हो पटरू हो मुर्गी हो चेंगना हो कुछ भी हो। फिर सरकार को अगर पैसा ही कमाना है तो फिर सब बेच दे, सब घर सब गांव को हटा दे, जितना जिस तरह से अतिक्रमण कर रहा है, मानव अतिक्रमण कर रहा है इन लोग, तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं नहीं जो करना है उखाड़ लो, हम लोग को और 5 एकड़ जमीन दो तब सुनेंगे आप लोगों का। ये तो कहाँ का न्याय हुआ, जब हम लोग न्याय मांगने जाए तो हम लोग को भाई बंधु को पकड़ के जेल लाया जाता है, जब ले ही जाना तो हम लोग सबको ले जाए ना फैमिली वाले को, तो हम तो पहले भी बोले जब ले जाना सबको ले जाइए। पानी भी हम लोग को सूख जाता है, कुआं तो डीप बोरिंग कर लिया अंदर से, कुआं में पीने के लिए पानी सूख जाता है हम लोग को, अब पानी में जो भी पानी रहता है ऊपर से प्रदूषण वाला गर्दा बैठ जाता है, वही काला पानी पीते हम लोग। तो गर्मी में फिर क्या करिए, तो जब हम लोग का जीने का कोई हक नहीं था, हम लोग क्यों ना इसी तरह हो के ही हो जाए, हम लोग का कहना सुन ही नहीं रहा है कोई, तो भी रात को छेड़ता है, दिन को नहीं, दिन को रहता है साइड में, और जब रात होने लगता है 12 बजे रात होने लगता था और महिला पास आता था और पूरा महिला को पकड़ धकर करता था और छेड़ने लगता था, तो हम लोग बगल हो जाते थे। मेरे पीछे बिरसा मुंडा की मूर्ति है और ये रामगढ़ का डीसी कार्यालय है, और जस्ट मेरे दाहिनी तरफ मतलब आपके बाईं ओर हाथ में तिरंगा लिए और कुछ तख्ता लिए कुछ महिलाएं बैठी हैं। बिरसा का नारा था जल जंगल जमीन बचाना बहुत इसम अबुआ राज, इन महिलाओं का नारा भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें जल जंगल जमीन के साथ साथ अपना जान बचाने का भी महिलाएं नारा लगा रही। हाथ में तख्ती है और तख्तियों में लिखा हुआ है कैंसर दमा और टीवी जैसी बीमारी आ गई और ना जाने क्या क्या आएगा, रोक दो प्रदूषण को वरना एक दिन पूरा गाँव ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तख्ती उसमें लिखा है कि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, नई नई बीमारियां रोज पैदा कर रहा है। आपको ये नारा थोड़ा नया लग रहा होगा, शहर जहां कंक्रीट के जंगल बसा दिए गए हैं वहां ये नारे नहीं पहुंचते हैं, लेकिन ये गांव के लोग हैं, इनको डर है इस बात का कि प्रदूषण से इनका और इनके बच्चों का भविष्य समाप्त हो जाएगा। और एक नारा है, ना शुद्ध हवा है ना शुद्ध पानी है, बढ़ता प्रदूषण जीवन की हानि है। प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, इंसान की आयु घट रहा है, ऐसे कई नारे हैं, कई महिलाएं हैं। आप इस तरफ देखिए, दूसरी तरफ अगर आप मेरी दाएं ओर देखेंगे इस तरफ भी आपको महिलाएं दिखाई पड़ेंगी, पीछे बैनर लगा हुआ है। आपको पता होगा कि बुढ़ाखाप एक इलाका है रामगढ़ के अंदर, मांडू विधानसभा में पड़ता है, जिला रामगढ़ पड़ता है, और वहाँ आलोक स्पंज फैक्ट्री है जिसके धुएँ से पूरा गाँव प्रदूषित होता है। हमने पहले भी वीडियोस दिखाए हैं कि कैसे हरे रंग का पत्ता काला दिखाई पड़ता है, हरी गोभी काली दिखाई पड़ती है, लोग वहाँ काले हो गए हैं। कुछ ही दिन पहले एक बच्चे की मौत भी प्रदूषण से हुई, आप उसकी तस्वीर भी यहाँ देख सकते हैं। नीरज को इंसाफ चाहिए, ये बच्चा है, ये बच्चा पहले कैसा था और उसके प्रदूषण के बाद जब उसको बीमारी हुई तो उसके बाद वो ऐसा हुआ, उसके बाद उसको उसका देहांत हो गया। कुछ दिन पहले ही उसी फैक्ट्री के बाहर लोगों ने धरना भी दिया और धरना देने के बाद कई लोगों पर FIR भी हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि जो मालिक हैं आलोक स्पंज फैक्ट्री के, रुंगटा कुछ हैं उनका नाम, और बहुत दबंग और मजबूत आदमी हैं पैसे से, और पूरा प्रशासन पूरा राज्य कहा जाता है, हम लोग कन्फर्म नहीं हैं, पूरा प्रशासन पूरा राज्य तमाम विधायक मंत्री सब नतमस्तक हैं उनके सामने, ऐसा लोग कहते हैं, हम लोग नहीं कह रहे हैं, तो क्या पता हम लोग पर भी केस हो जाएगा ऐसा कहने पर, तो लोग ऐसा कह रहे हैं। तो जिसके आगे पीछे राज्य का पूरा सिस्टम नतमस्तक होगा,
उसके खिलाफ लड़ रहे गांव वालों का कौन सुनेगा। गांव वाले डीसी ऑफिस आए हैं, यहां धरने पर बैठे हैं। पहले बात करते हैं, समझते हैं, समझने की बात बहुत है नहीं है, आपने पहले भी समझा है, कोशिश करते हैं कुछ और समझने की। आप नीरज की माँ हैं, नीरज की माँ हैं हम लोगों के साथ, और नीरज की मौत कुछ दिन पहले कैंसर से हुई, और एक स्वस्थ बच्चा स्कूल जाने के दौरान उसके आँख में कचड़ा आता है और उसके बाद वो कैंसर का रूप ले लेता है। ऐसे कई लोग हैं उस गाँव, बात करते हैं। तो आप लोग कहाँ से पैदल आए यहाँ तक? कोठार से। तो आप लोग पिछले बार भी धरना उरना दिए थे बूढ़ा खाप जो फैक्ट्री है उसके बाहर, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। काहे नहीं हो रहा है? हम लोग तो धरना हम लोग दे बहुत बार दे चुके हैं। अति जब हम लोग हो गए तब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दिमाग में लगा कर हम लोग ये किए कि हम लोग जब हम लोग का जीने का कोई हक नहीं था, हम लोग क्यों ना इसी तरह हो के ही हो जाए। हम लोग का कहना सुन ही नहीं रहा है कोई, तो कोई नहीं हम लोग का कहना सुन रहा है। आप लोग तो दो तीन दिन काम भी बंद कर दिए थे ना वहाँ? काम नहीं बंद हुआ कभी, नहीं मतलब रोड वोड ब्लॉक किए थे, दरवाज़ा बंद किए थे? दरवाज़ा तो 24 घंटा बंद रहता, दरवाज़ा खुला नहीं रहता वहाँ पर, दरवाज़ा तो बंद करके ही अंदर में वो काम करते रहता है। तो कोई समाधान नहीं निकला वहाँ? नहीं, हम लोग जब वहाँ गए हम लोग धरना में दिए तो हम लोग FIR कर दिया कि नहीं ये सब रंगदारी करने आया है यहाँ पर। हम लोग अपना जीने का हक लेने के लिए आए थे तो कह रहा रंगदारी करने आया है यहाँ पर, और हम लोग को FIR कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बबीता देवी। वहाँ आप लोग धरना पे बैठे फैक्ट्री के बाहर, पुलिस आई, आप लोग सब फिर सभा किए, बवाल हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बोलता है कि पुलिस प्रशासन आता है और पब्लिक मर रहा है, पब्लिक का बात ही नहीं सुन रहा है। पुलिस प्रशासन ना जाने पब्लिक का सेवम नहीं है, वो कंपनी का सेवम है, आलोक स्टील प्लांट का। हम लोग को सेवम रहता तो सुनबे करता। हम लोग धरना में जाते हैं तो छेड़छाड़ के महिले सबको छेड़छाड़ के हटा देता है, हम लोग छेड़ने लगता है तो डरे भाग जाते हैं। अच्छा। और वो भी रात को छेड़ता है, दिन को नहीं, दिन को रहता है साइड में, और जब रात होने लगता है 12 बजे रात होने लगता था और महिला पास आता था और पूरा महिला को पकड़ धकड़ करता था और छेड़ने लगता था। तो हम लोग बगल हो जाते थे कि हम लोग काहे ले अपना इज्जत भी, इतना अपना हक के अथी में गए तो अपना इज्जत भी हम लोग को अथी करना पड़ रहा है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। डीसी आए कहीं भी जा रहे हैं, कोई हम लोग को कुछ सभी मतलब नहीं, समस्या का हल निकल रहा है। आपका क्या नाम हुआ? अनीता देवी। अच्छा, आप लोग के विधायक हैं, उनसे कभी कोई बातचीत नहीं हुई इस मसले पर? विधायक तो वही जंगल बेच कर घूम रहा है, एक और एक दिन भी नहीं आया? नहीं, हम लोग का गाँव में भी नहीं। वोटवा फिर कैसे दे देते हैं? वोट लेने समय माय बहन सब वोट दिया हमका ऐसे कर कर के लेता है और जीत जाता है, उसके बाद अपना पॉकेट गर्म हो जाता है। उसके बस जनता के पब्लिक को कौन पूछता है, जो नेता पकड़ते हैं वही नेता तो वैसे करता है, पैसे पर सब बिकता है। पिछले बार जब धरना में बैठे थे तो कोई समाधान नहीं? नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ, कोई आश्वासन भी नहीं, कुछ नहीं मिला हम लोग को। तो कल परसों एगो शायद एम्बुलेंस उम्बुलेंस दिया है? नहीं, कोई नहीं दिया है, तो हम लोग को नहीं दिया है कुछ, वो अपना अब अपना करता किसके लिए, लेकिन हम लोग का गांव में नहीं दिया है। पेपर में दिया है बूढ़ा खाप के लोगों को एम्बुलेंस दिया जा रहा है? अगर एम्बुलेंस रहता तो बच्चा आज हम लोग का कल वैसा होता? इतना दुनिया देख रहा है बच्चा का है, मेरा वैसा हुआ कैसे पकड़ा कैंसर? फैक्ट्री की वजह से पकड़ा, प्रदूषण के वजह। आजकल कौन बच्चा नहीं जाता स्कूल पढ़ने के लिए? कंपनी का आदमी का एम्बुलेंस है ले जाने के लिए और लाने के लिए, पब्लिक के लिए नहीं दिया है। तो गर्मी में तो और दिक्कत होगा आप लोग को? पानी भी हम लोग को सूख जाता है कुआं में, तो डीप बोरिंग कर लिया अंदर से कुआं में, पीने के लिए पानी सूख जाता है हम लोग को। अब पानी में जो भी पानी रहता है ऊपर से प्रदूषण वाला गर्दा बैठ जाता है, वही काला पानी पीते हम लोग। तो गर्मी में फिर क्या करिए? उसी तरह पीते हैं, कुआं सूख जाता है पूरा। बरसात और ठंडा में तो चलिए थोड़ा मौसम भी ठीक रहता है, लेकिन गर्मी में तो फैक्ट्री का धुआं, उसका गर्मी, ऊपर से मौसम गर्म, तो आप लोगों को तो और मुश्किल हो जाएगा।
खरीद के फिर पीते हैं हम लोग, कहाँ से पियेंगे? कुआं भी सूख गया, नदी भी सूख गया, तो कहाँ से पानी हम लोग लाएंगे और पियेंगे? ये प्लांट पूरा डीप बोरिंग अंदर कर दिया है, तो हम लोग का कुआं ऊपर है तो पानी सब सूख गया है, तो कहाँ से लाएंगे हम लोग पानी, कहाँ से पियेंगे? इसीलिए तो हम लोग हक के लिए आए हैं यहाँ लड़ाई करने के, जीने के लिए हम लोग को पानी चाहिए। डीसी पूरा जिला का है तो आंख नहीं है उसका, नहीं देख रहा है कितना आदमी तपस्या काट रहा है, सब उसका आंख नहीं है। पब्लिक से डीसी बना है, कैसी आपने डीसी बन गया है? क्या नाम है आपका? प्रियंका देवी। तो आप लोग धरना पर बैठे थे पहले, फिर तीन चार दिन तक फैक्ट्री को बाहर से बंद रखे, अंदर काम चल रहा था, फिर आप लोग डीसी ऑफिस आ गए, क्यों आप लोग का मांग नहीं सुना गया? नहीं पूरा हुआ कुछ नहीं, जब हम लोग धरना में बैठे थे शांतिपूर्वक, दिन को पुलिस तो कुछ नहीं करता था प्रशासन, जब रात में 12 बजता था उस टाइम पूरा घेरवा करके हम लोग के छेड़छाड़ करके डराने की कोशिश करता था, जो विजेंस रहता था बगल में वो लोग के पूरा घींच तीर करके वो ले जाता था थाना, और हम लोग के कुछ कार्रवाई नहीं, केवल खाली बोल धमकाने का कोशिश करता था कि यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, छोड़ दो नहीं तो हम गाड़ी को इस ओर से चघा देंगे। तो हम कैसे चघाएंगे सर? तो कैसे चघाएंगे? गाड़ी रोकना नहीं, तो हम गाड़ी नहीं रोकेंगे तो मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है। जब तक हम कभी भी धरना देते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं लेते हैं, तो आप बता सकते हैं हम लोग का जीने का हक है या नहीं? आप क्यों स्वस्थ इंडिया स्वस्थ भारत करके नगर परिषद कर दिए हैं रामगढ़ को, और हम लोग को जहर दे रहे हैं, जिस जहर से हमारा बाल बच्चा माँ बाप सब पीड़ित है प्रदूषण के कारण। किसी भी तरह से कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर बताता है ये लोग गंदगी है, तो हम कहे गंदगी कैसे है सर? तो बोलता है कि गंदगी से फेफड़ा का दिक्कत हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो ये लोग अलोक फैक्ट्री है हम लोग के बुढ़ाखा अपने सामने, तो वही फैक्ट्री के कारण हम लोग के धुआं के कारण सभी बीमारी फैल रहा है, और सब बच्चा को भी विकलांग पैदा हो रहा है, जिसके कारण हमारा शरीर मेरा बच्चा को मेरा जो हस्बैंड को उसी तरह शरीर को बिताना जा रहा है। कोई भी बुढ़ाखा को आप देखते होंगे मीडिया वाला चैनल को, कितना भी जेंस है कि उसका शरीर में सब तरह के बीमारी फैला हुआ है, जिसके कारण चावल करला रहता है, चावल को कितनों बार धोइए आप देख, बहुत बार तो देख चुके हैं और चैनल में भी दिखा चुके हैं सब पब्लिक को, लेकिन देखिए अभी तक कोई जवाब हम लोग के आ नहीं रहा है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे आए हैं डीसी के कार्यालय में। अब डीसी मैडम क्या करती है और ना करती है इसके हाथ पर है, अब पूरा रामगढ़ जिला का मैन है डीसी मैडम, तो आप क्यों नहीं हम लोग के बात सुन रहे हैं? जब डीसी इस तरह किया पुलिस तो डीसी मैडम के सामने आए, डीसी मैडम बोले हाँ जाएंगे आप लोग के गांव, ता से बोल दी, लेकिन कब गई नहीं गई अभी तक हम लोग के पता नहीं चला, और कुछ नहीं पता चला कि डीसी मैडम आई कि नहीं आई, जिसके कारण हम लोग यहां मौजूद हैं। आप डीसी मैडम जवाब दीजिए, आप डिसीजन क्या चीज करते हैं और नहीं करते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि आप डिसीजन दे और ना दे, आपके हाथ में है, जब नगर निगम कर ये दिए बुढ़ाखा आपको तो इतना प्रदूषण क्यों उड़ा रहे हैं? हाँ नगर परिषद कर दिए, सॉरी नगर परिषद कर दिए हैं, और हॉल्ट टैक्स होल्ड बीमारी तो हम लोग मरते जा रहे हैं, सब कुछ को दीजिए और नहीं देते हैं, तो देखिए बिजली हो जाता है, हॉल्ट टैक्स होता है, बढ़ जाता है, एलिसमेंट करने के लिए आ जाता है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? जब हम लोग के बीमारी में पैसा जो लेबर कुली करते हैं एक दो रुपया गरीब अपने क्या करेंगे? ऐसी भी तो सरकार किसी को झारखंड को नौकरी दे नहीं रहा है कुछ नहीं, तो हम लोग जिएंगे खाएंगे कैसे? और ये हवा नहीं मिलेगा हम लोग को जीने के हक दिया जाए। का नाम हो? नमुआ बता। गाना देवी। कहाँ से आये? बुढ़ाखाप से। बुढ़ाखाप से। तो दूर से की जरूरी भेलो आये?
अलिए बेटा ऐसा ना किया बुढ़ा खाब जे आगू सब ठीक है बाकी आपके बाद में जब से रोंग बैठल हो तब से बड़ी गर्दा चौबीस घंटा रहा चार दिन गर्दा छगरी हो पटरू हो मुर्गी हो चेंगना हो कुछ भी हो बाल हो बुतरू हो कुछ जाए तो खाली गर्दे के पहचान हो घर सुतबे हमारे घरवा जाके देखबी नहीं बेटा हमारे घरवा कभी बल कैसे रह दादी घरवा तेरा गर्दा हो सब चेरका सब करिए हाँ सब तो लोहा के हंस अरे ललका रनवा तो कहलिए चला देखब बल बंद करते गर्दवा तो ना को बोल है गर्दा दूंगा बंद करते तनी बाल बच्चा सफा रहता सफा रहता तो सफा से मान लो कि हम के दिन तो गेल बाल बच्चा के दिन तो नहीं गेल है तो तनी सफा रहता सफा से रंगता भूलता तो धान जो रोप है ने बड़ी गंदा नहबे देवे तहूँ गंदा पानियों ने गंदा धान जो रोप लियो अब कहिए बल इटक नहीं सीझा हुआ से बड़ी गंदा है ऐसे बेचब बेचे ले गए बेटा मिलुआ ले गए धनवा धनवा मिलुआ ले गल तो कहाँ खेल ले व्यापारी पोटम दक्का के व्यापारी और सोसो के व्यापारी ले गल और फिर मिलुआ ले लेगी के 15 दिन के बाद ने फिर जिम्मा दिल धनवा हाँ आपस कर दिल नहीं धान ले बहुत गर्दा हो बहुत गर्दा हो तो हमीन कहे बाप पेतरा हमीन के बाल बच्चा कैसे जीता जब मिलुआ ले गए जो 2 पैसा है तो चिकना चौरुआ लेब से मिलुआ ले गलहा घूर गल के घूरा जल तू व्यापरियन जब नहीं धान बल आपस बह गल 15 महीना दिनक बाद तो कहलिए अच्छा अब कोई नहीं तू धान में फिर अदल बदल के सीझा भी जाए खाए सीझा उठ जाओ तो करो फिर घर दे हो धोबी तो कर गया निकलो आदमी के चार धोबे नहीं तो देखा गो मार वाह जो पनिया दूध नहीं है सफा है वह बाकी वो कर गया है जो ये बात है 5 एकड़ बारी ने लगे रहे हो खेती खेती लगा रहे हो बाकी खेती ने 10 लाख के पूंजी फसल हो बाकी पूंजी ने एगो दाना ने खाओ निकलल एगो दाना नहीं निकल तो हम कैसे करल जाए हम जीबे कैसे मान लेके तो ही पूंजिया लगे नहीं बेटा हाँ तो हम लेबर निकल रहा है एगो तो लेबर वो हम कैसे जीब हाँ जब कमेबे वकर पूंजिया निकलते तब ना हमें खटाली देते तो हमार कहना जो मैंने पूंजिया जो लगे उतना तोरा को विचार नहीं लगे उतना गर्दा दूंगा से कर रही से की करे खातिर की मांगा कोनो मांग ना खाए गो गर्दवा बंद करे गो सफा से रह गो मान ले कि एखन तक कॉपी में ट्यूशन करे हैं हम जमीन के ट्यूशन करे है बेटा जमीन के ट्यूशन करे तो हमार कॉपी ने तो लेके पढ़बी तो कॉपियन तोरा फायदा हो 2 पैसा बनत और जमीनवा के लोहा के यहाँ से आ गल तो लोहा के यहाँ से आ गल तो हम जमीनवा ने कहाँ कमेबे आए लोहा कहाँ से बताओ फायदा आए तो वहाँ टाके लोहा के यहाँ से आ गल आयरन के यहाँ से आ गल हमके फायदा कुछ हेबे ना कर तो तुम कॉपी ट्यूशन करा तो डेली नौकरी हो और हम टोकरिया लेके भूलब तब तो हमारा नौकरिया मिलते गो आए टोकरिया लेके भोज तब तो नौकरिया मिलता टोकरिया तो हमारे भोर तब खच गया तो हम कहाँ से पैबो टोकरी नौकरी आए तो हमारे यही टाके हमारा कहना है जो धुंगा गर्दा का बंद कर बाल बच्चा हमके तोरा नाम रोजी लुटे जाइ तोर गड़िया बैठे जाइ न तोरा जमीन में मांगा हो न कुछ नहीं कह खाली गर्दा बंद कर बस उतरे हम इनको है बस उतरे हाँ उतरे पानेश्वर हैं साथ में फेसबुक पर आप इनको बेरोजगार पानेश्वर के नाम से जानते हैं और चाहे खतियान का मामला हो भाषा का मामला हो या फिर अभी जो बुढ़ा काप में पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हुए बात करते हैं समझते हैं बहुत कुछ समझने की बात है भी नहीं लगभग चीज़ें तो समझ ही गए लेकिन फिर भी पिछले बार भी पानेसर धरना पर बैठे थे आप लोग बुढ़ा खाप की फैक्ट्री जो आलोक का फैक्ट्री है रुंगटा का उसके बाहर 3-4 दिन तक वो धरना चला बहुत बवाल हुआ गिरफ्तारी हुई लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ नहीं वैसा कुछ समाधान नहीं हुआ है इसलिए आज हम लोग आंदोलन का जो रूपरेखा है उसको बदलाव किए हैं उस पर कि हम लोग पहले जो फैक्ट्री का मालिक था उससे बात करके ही मैटर को सुलझाना चाहते थे जिमखाना क्लब का कोई मामला था कि वहाँ बैठकर मीटिंग जी हाँ वहाँ पर स्थानीय दलाल नेता सब भी थे जो उनके पक्ष में ही बात कर रहे थे तो जिमखाना उन्हीं का ऑफिस कह सकते हैं वहाँ पे वार्ता
सबके लिए बुलाया गया था, वहाँ गए भी, लेकिन हम लोगों के हित में वार्ता नहीं हो पाया। हम लोगों के पक्ष में हम लोग का जो मांग था उस पर किसी तरह का कोई पॉजिटिव पहल नहीं हो पाया, इसीलिए उससे असंतुष्ट हुए। क्या वार्ता में क्या हुआ? वार्ता में मालिक का कहना था कि हम लोग को जो बगल में फॉरेस्ट का जमीन है वो ग्राम सभा के माध्यम से हमको मैंने हस्तांतरण कीजिए, तो ताकि हम वहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी यंत्र है वो हम लगाएंगे। और ये भी मांग था, वो खुद मांग रहा था कि ग्राम सभा के माध्यम से आप लोग फॉरेस्ट का जमीन जहाँ से वो पानी लाएगा नदी से, वहाँ पे भी फॉरेस्ट में फंसा हुआ है, तो वहाँ से भी कहना था कि ग्रामीण यदि चाहे ग्राम सभा के माध्यम से तो वो लोग हल कर सकता है इस चीज़ को। तो वो खुद दो मांग कर रहा था, हम लोग का मांग था दो कि पोल्यूशन को आप कंट्रोल कीजिए और पानी का जो डीप बोरिंग है उसको आप बंद कीजिए। तो खुद हम लोग को मांगने लगा कि जमीन दीजिए 3 एकड़ जमीन दीजिए बगल में, तब हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे और फॉरेस्ट में जो जमीन फंसा हुआ है उसको क्लियर करवाइए, तब हम लोग डीप बोरिंग बंद करेंगे। अच्छा, मतलब आप लोग मांग करने गए पोल्यूशन बंद करो तो बोलता है जमीन दे दो। जैसे सभी लोग झारखंड के तमाम मैंने सभी जानता है कि रोंगटा बहुत बड़ा उद्योगपति है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि वो खुद बता दिया कि हाँ हम बड़ा का आदमी है, का उखाड़ लेगा, खुद बोल दिया, रवैया बताया उसका, मुँह जबानी नहीं लेकिन जो उसका रवैया रहा उससे मालूम चला कि नहीं वो वाकई में बड़ा आदमी है, वो शासन प्रशासन सबको खरीद के रखा है, सब उसके नक्शे कदम पे चलता है, वो उस दिन कह दिया इशारे में। इसीलिए हम लोग सोचे कि ठीक है, उस दिन कंपनी से बात करके हम लोग मैटर सुलझाना चाहते थे लेकिन कंपनी नहीं चाहा, तब अब हम लोग अब सरकारी प्रक्रिया के तहत आंदोलन रहते। क्या समाधान, कैसे निकलेगा समाधान? पहले वहां धरना दिए, 3-4 दिन उधर बवाल हुआ, आज आप लोग पैदल उठार से यहां चल कर आए हैं, यहां धरना दे रहे हैं, एक दिवसीय धरना है, तो इसके बाद फिर आगे कैसे लगता है कैसे चीजें ठीक हो पाएंगी? देखिए दादा, बात ऐसा है कि पहले वहाँ 7 बार आंदोलन हुआ था, वो गांव तक भी नहीं पहुँच पाया था कि गांव वाला लोग भी नहीं जान रहा था कि वहाँ आंदोलन हुआ था। इस बार सबों ने हिम्मत किया तब जा करके ये पूरा झारखंड लेवल का न्यूज बना, और कहीं ना कहीं हम लोग को ये भी नहीं जानकारी था कि उसके बाद आगे क्या करना है, तो हम लोग आगे अभी कुहासा छाया हुआ है, बस अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आगे रुकेंगे थोड़ा यहाँ पे, आगे जो ही हम लोग को आगे का रास्ता नजर आएगा वैसे हम लोग कदम आगे बढ़ाएंगे। 7 बार कौन लोग धरना दे रहे थे जो पता नहीं चला किसी को? पहले कुछ लोग थे, वैसे लोग थे जिनको मैंने आगे का नेतृत्व करता नहीं मिल पा रहा था कि आखिर हम लोग आंदोलन को किस तरह से हैंडल करें और किस तरह से इसको बृहद रूप दे पाए, तो वैसा नहीं हो पाया था। जब भाजपा के विधायक हैं मांडू में और वो आज सचिवालय घेराव करने के लिए गए होंगे भाजपा के लोग, आप लोग यहाँ रामगढ़ जिला कार्यालय घेरने आए हैं, डीसी ऑफिस आए हैं घेरने, तो उनके लिए पार्टी इम्पोर्टेंट है, जो लोग उनको वोट देकर विधायक बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट, वो यहाँ नहीं है, वो आपके मुद्दों पर विधानसभा में बात नहीं करते हैं? देखिए, विधायक जी का सबसे इम्पोर्टेंट है माल कहाँ से आएगा, पैसा पार्टी से काफ़ी ज़्यादा उनका फायदा है, प्रॉफिट है, वोट का क्या है, वोट चुनाव आएगा 2 महीना पहले छीट देंगे, यही सबका राजनीतिक प्रोपेगेंडा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग जो अभी यहाँ पे जितने मौजूद हैं, शायद मंत्री विधायक जी को आभास नहीं है कि ये लोग अब पूरी तरह से जग चुके हैं, अब उनका जो षड्यंत्र जो चलेगा चुनावी दौर में वो चलने वाला नहीं है। वोटर भी तो यही लोग हैं, वोटर यही हैं, तो जागरूक हो गए हैं, उस समय जागरूक नहीं थे, उनको यहाँ पे होना था, यहाँ पे नहीं होना था, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप काफी व्यस्त व्यक्ति हैं, आप विधायक हैं, तो कम से कम आपका कोई प्रतिनिधित्व यहाँ पे होना था, आपको इस पर एक्शन लेना था, सत्र में भी विधानसभा में कम से कम एक बार बात भी उठा देना था, बात उठाना था और उठाना नहीं था, उस पर गहन चर्चा परिचर्चा भी होना चाहिए था और वहाँ यहाँ से निष्कर्ष भी निकलना था,
क्योंकि चर्चा तो बहुत पहले भी हुआ है लेकिन वैसा कुछ ठोस पहल नहीं हो पाया। पार्टी का अलग काम है, उनका गुलाम है वो। क्या बोल रहे हैं? 20 साल से तो चर्चा ही हो रहा है, 20 साल से। आज समझौता होगा, कल समझौता होगा, परसों होगा, इसीलिए तो हम लोग गांव वाला उम्मीद लगा के बैठे हुए। जब हम लोग को यहीं से सब काम हो जाएगा तो फिर ऊपर जाने का क्या जरूरत। लेकिन ये तो हम लोग को दबाए जा रहे हैं और दबाने का ही काम कर रहे हैं। जो इन लोग को इतना दबा दे कि ये लोग खड़ा भी ना हो पाए, जो हम लोग को मर्जी आएगा वही। इसीलिए तो रोंगटा का मालिक बोल दिए ना, जो देख लेंगे क्या कर लेगा। उन लोग को कहने का मकसद वही था पूरा प्रॉपरली, जो हम देख लेंगे आप लोग को कहने का मकसद क्या। लेकिन हम लोग भी अब ठहरने वाले नहीं, हम लोग भी दिखा देंगे क्या कर सकते हैं। वो धमकाने से अब धमकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग को भी तो जीने का अधिकार है। हम लोग उनका धुआं खाने के लिए तो नहीं आए हैं। और अगर रोंगटा को ही ले लेने हैं तो हम लोग का जितना वहाँ प्रॉपर्टी है वो दे दे, अच्छा जगह, सुरक्षित जगह, जहाँ सब कुछ सुविधा हो, हम लोग खुशी खुशी छोड़ देंगे। नहीं तो फिर उनको छोड़ के जाना होगा, नहीं तो फिर हम लोग को काम करे। दो ही ऑप्शन उनके पास, या तो हम लोग को शिक्षित जगह ले जाए, या तो फिर रोंगटा को ही खाली करे। या तो पहले का जब झारखंड में हमारे यहाँ फैक्ट्री बैठा है तो 75% गांव का ग्रामीण होना चाहिए, ये लिखित भी है, संवैधानिक भी है। लेकिन 1% वहाँ का लोग काम नहीं करते हैं और वहाँ के लोग को बीमारी दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो ये सही बात नहीं ना है। इसीलिए तो हम लोग आज आए हुए हैं और हम लोग ये धरना को तब तक करेंगे जब तक हम लोग को मिल नहीं जाए, न्याय नहीं हो जाए। हम लोग ऐसे अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ घुस देगा, वहाँ देगा, आगे तक नहीं देगा ना, कितना घुस देगा वो भी हम लोग देखने के लिए तैयार है। उनको कितना घुस देने का उनका औकात है और हम लोग को कितना लड़ने का क्षमता है वो भी अब हम लोग वही दिखा देंगे। नारी शक्ति, नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। जब दुनिया को टिका सकती है तो वो कौन खेत के मूल्य है जो उसको नहीं देख लेंगे, उसको तब हम ही लोग देख लेंगे। वो बोले डीसी ऑफिस आओ, आराम से बैठ के सुलझाएंगे। हम लोग वो भी काम किए, जाने का काम किए, आराम से बैठे, देखे तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं नहीं जो करना है उखाड़ लो, हम लोग को और 5 एकड़ जमीन दो तब सुनेंगे आप लोग को कान। ये तो कहाँ का न्याय हुआ। जब हम लोग न्याय मांगने जाए तो हम लोग को भाई बंधु को पकड़ के जेल लाया जाता है। जब ले ही जाना है तो हम लोग सबको ले जाए ना, फैमिली वाले को। तो हम तो पहले भी बोले जब ले जाना है सबको ले जाइए। हम लोग काहे मांग रहे हैं आपसे, हम लोग को रोजगार चाहिए, अच्छा शिक्षित चाहिए, हम लोग को जीने का अधिकार चाहिए, हवा चाहिए। ये तो हम लोग प्राकृतिक का देन है, तो आप यहाँ बीच में क्यों टांग अड़ाते हैं। अगर आपको ही लेना है तो जाइए अपना खेत में, अपना बाल बच्चों को रखे यहाँ, उसके बाद पढ़ाइए। सरकार भी इसमें कोई ध्यान नहीं, क्योंकि उनको टैक्स मिल रहा है, उनको पैसा ज्यादा मिल गया है। सरकार भी सोच रहे है गरीब मरेगा तो मेरा ही भला होगा, इसलिए वो हम लोग को मारने में लगे हुए हैं। इसमें उनको खास करके हमारे मुख्यमंत्री महोदय को ये समझना चाहिए कि इतना आंदोलन का जो रूपरेखा इतना बढ़ते गया, फिर भी एक वहाँ ना वहाँ का स्थानीय विधायक कोई एक्शन ले रहे हैं, ना हमारे सीएम जी तो लगता है गांजा पी के सूते हुए हैं। इतना महिला सब रोड में आई, इतना अब देखिए इतना छोटा बच्चा के साथ में इस तरह हुआ, इसका क्या गलती था? ये तो अपने घर में था, कहीं तो गया नहीं है कि टाउन में जाके गया है। अगर सरकार को अगर पैसा ही कमाना है तो फिर सब बेच दे, सब घर, सब गांव को हटा दे। जितना जिस तरह से अतिक्रमण कर रहा है, मानव अतिक्रमण कर रहा है इन लोग जमीन का अतिक्रमण का तो कर लिया, अब मानव अतिक्रमण कर रहा है दिन दहाड़े। अब इतना पॉपुलेशन के जगह है जहाँ पे, वहाँ पर फैक्ट्री दे देना। यहाँ का जो हमारे जो कार्यालय में है बैठे हुए डीसी मैडम, कम से कम सोचना चाहिए कि आखिर उन लोग के साथ में क्या समस्या है। वो मैं दावा करता हूँ 2 दिन जाके रहे वहाँ पे, अगर उनको 2 दिन में उनको बुखार नहीं चढ़ जाएगा तो फिर बोलिएगा, मगर वो उन लोग ये सब में जाना नहीं चाहते हैं। ये सब उन लोग के लिए नहीं, उन लोग को सुख सुविधा है। देखिए यहाँ 1-2 करोड़ का पार्क खुल गया है इन लोगों को सुविधा के लिए, और जहाँ हम लोग का वहाँ पर है, वहाँ पर और बोलता है 5 एकड़ जमीन दीजिए, तो क्या दलाली ना है का? जियो का स्कीम है का कि साला वाईफाई कर दो और जियो सिनेमा फ्री कर दो, उसी तरह से 5 एकड़ और दो, उसके बाद फिर एक फैक्ट्री लगाएंगे और अपने डायरेक्ट तुम लोग को डायरेक्ट मोराइए देंगे। यही सब इन लोग का प्लान है, साजिश के तहत इन लोग बर्बाद करना चाहता है पूरा ग्रामीण क्षेत्र से। जितना अभी बोलता है कि झारखंड का सरकार है, अपना गांव का सरकार है, मगर इसमें कोई नहीं है, यहाँ तो सब दलाल का सरकार है, सिर्फ बिजनेस पॉलिसी चलाता है। जिस तरह से वहाँ केंद्र में देखते हैं कि बड़ा बड़ा पूंजीपति का सरकार का सपोर्ट रहता है, उसी तरह से यहाँ का भी सरकार को आप देख रहे हैं कि पूंजीपति के माध्यम से उन लोग सिर्फ पूंजीपति को देख रहा है, और वोटर सिर्फ वोट मारने के लिए इन लोग को सिर्फ नज़र आता है, बाकी बात इन लोग कुछ नज़र नहीं आता। आज हमारे क्षेत्र में लगभग लगता है स्वास्थ्य के मामले में सबसे बदतर हालत है हम लोग का, जीरो है। तो फिर क्या है मतलब, आप सिर्फ विधानसभा में पास करवाइएगा कि हम 50 को मतलब मेडिकल नया नया कॉलेज खोल दे रहे हैं, उसके बाद में बोलिएगा कि हम 2000
डॉक्टर को बहाली किए तो डॉक्टर कहाँ जा रहा है, झोला लेके गाय गरु को इलाज कर रहा है कि आदमी का इलाज कर रहा है? ये चीज सरकार को देखना चाहिए कि ग्राम स्तर में कितनी समस्याएं हैं। आप तो ग्राम पंचायत का एक तो चुनाव करवा देते हैं, उसके बाद में उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर विचार कभी करते हैं आप लोग? उसके लिए कोई कमेटी नहीं है। दलाली करने के लिए कमेटी बनाएगा, चार गो दलाल रखेगा अगल बगल कि कहाँ का जमीन खाली है, कहाँ कब्जा करना है, कहाँ पर ज्यादा माल आएगा, ये सब में फोकस करता है। मगर जो जनता का जो समस्या मूलभूत समस्या उस पर कोई भी नेता नहीं चर्चा कर रहा है। का नाम हो? जयमणी देवी, बुढ़ा काप के वासी हो। धरना दिए घर छोड़ के आये है बेटा, ऐसा धरना दिए आये है कि प्रदूषण से बेहालत ही है, सांस लिए के एकदम बहुत तकलीफ खाई रहा है, बाल बच्चा ने भी तकलीफ खाई रहा है, पूरा लोग लक्ष्मी ने भी तकलीफ खाई रहा है। जहाँ उपजा हमारा है वो लोग पाँच काट तहाँ लोग दो काट और सब कल्ला आँख मुन 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 के रह है, सांस लिए ने घर दूरा बार हो तिल मुन मुन के बार हो और हम इनके बुलाए ले लो और हुआ का कहे लगल कि वार्ता करे ले कि बल लिखिए जमीन लिखिए तब आपको बल हम इनके प्रदूषण रुकेगा। हम इन दोसर दक्षिणा मांगे गए और दोसर दक्षिणा मांग लो तू भीख मांगा लगे कि हम भीख मांगा लगे जमीन के चोर तो बल हम ले ले जाए 4 करोड़ ने हम सरकार के पैसा दे चुकले है तो जमीनवा कैसे छोड़बा? तो सरकार भी जमीन बेच चुकले है तो कितना हम इनके तकलीफ है, कौन सरकार के पैसा दिले है? एगो पत्ता तोड़े गला से भी कैसे हो बेटवा? और हम इनके जंगलवा ने हम इन गरु डांगर ककड़ो ढूके नहीं दिले है, तहिया से जंगलवा को रोक के रख ले तो जंगल में तो राहत हम इनके कर ले है। अगर जंगलवा हम इनके अगर ले लिए चाहे कंपनियाँ तो हम इनके कहाँ रहिए, कहाँ रहिए से बताओ, कहाँ रहिए? जंगल से शुद्ध हवा आव है, झारखंड लगे झारखंड राज झारखंड तो झारखंडिया हम इन लागे तो जंगलवा के सरकार कैसे बेच दिले, कहाँ से हकीदार अल कहाँ से कर दिमाग अल कहाँ से बुद्धि अल जो झारखंड बेच दिले यू? आज झारखंड बेच दिले सरकार, आज आज जंगल बेच दिले, कल हमरो बेचते हमारे बालो बच्चक बेचते तो हम जीने का अधिकार मांगे कहीं का ही डिस्ट्रिक्ट ना जीने का अधिकार दे तो दे हमके देना है तो।